अम्मा तो माई पार्वती दत्ता महादेवा जब तो बड़े चक्कर पड़ियो शंकर जी को पता ही ना कि मेरो लड़का हुई हो सौ छह साल इतो मेल निकलो बिचारी ना ना हुई ना कैसा मन से सो मेल को लड़का बनाए दो शंकर ने बाकी गर्दन काट दी और सोचने की बात तो जा इंसान की गर्दन की लंबाई कई इंच होने लग रही पूरी ना तो 3 इंच ना ये लंबाई चौड़ाई 2 फुट ऊंची है ना और हाथी की गर्दन की चौड़ाई कितनी होगी सबसे पहले तो जॉइंट ना मिलो हुई है एक बात याद आई बताए हाँ बताओ बिल्कुल एक बार की बात एक शास्त्री जी थे जैसे हमारे दीपक भैया बुद्ध कथा सीख रहे हैं अबे तो ऐसे शास्त्री थे माघ महीना बहुत कथा भागवतें होती हैं तो शास्त्री जी की जो घरवाली थी उन्होंने सोची का लड़का बच्चा है ना चलो मैके ही चले मैके चली गई शास्त्री जी लौटे आए और जो लोग खाने के लिए पूरी तो नहीं जाती खाए पी के सोइए रात में सपने बर्राए पड़े सपनों में देखो कि हाय हमारी पत्नी राण हुई शास्त्री ने सपने में देखो कि मेरी पत्नी राण हुई और बेचारे पूरी रात गड़बड़ यानी करवट बदलते रहो पुण्य मन ही मन में कही मनसा देवी ए चंडी देवी सबरी देवी बुलाई डाली कि हम सवेरे घर जाइए अपनी पत्नी को देखे जाए राण कराए भाई और राण अगर नाए भाई हुई है तो एक बकरा की तुम पे बलि चढ़ाई है एक बकरा की बलि चढ़ाई है तो भैया ससुर मोटरसाइकिल उठाई चल रहे पहुंची ससुराल और सवेरे सवेरे जब जीजा जी आए तो सारे लोग बड़े खुश थे जीजी बुलाना है चलो मैं कोई बात नहीं कथा भागवत लगी हुई है जल्दी आइए और कुर्सी डारी चाय नाश्ता लाओ अब बैठे रहे कुर्सी में चक्कर लगाए बैठो जी बैठो अरे बैठो बैठे तो तब उन्हें गड़बड़ डरे की पत्नी भाई राड हुई कैसी हुई राड को मतलब भी समझे तो मर ही उन्हें कहे कौशलेंद्र हम तो बैठे तुम्हारी जीजी का कौशलेंद्र के जीजी तो सही नेकी तरीका से चाय बनाए रही है उन्हें चाय बनाए गए ना तुम अपनी जीजी बुलाए लाओ तो वे कौशलेंद्र ने कही जीजी जीजा बड़े परेशान है पता नहीं कब आते हैं या तो कौश लड़ाई भरी या हम लोगों से नाराज है तो मेरा बता चले आई उन्हें कि मोबाइल तो चलता नहीं तेरे जमाने से बता देते आई सुनने पूरा टटोए टटोए देख लो ए तुम सही तरीका से और फिर सरवाइव वे मैके में सरवाइव उन्हें हां सही है बताओ अरे बहुत बरोबर राय पर हमने सपने में देखो तो राड़ो कि मैंने सपने में देखो तुम राड़ हुई तुमने की तरीका से अबे माथा ठोक लो उन्हें कहा जो मुराटा चक्कर कैसे कथा का तो ये और जैन वाले राड का मतलब का हो ठीक थोड़ी देर बाद रुके कहा लगे कौशल इंद्र हम जाए तो विदा कर दियो भाई जल्दी हाँ। लेकिन एक सुनो जब गांव में कोई बकरा हो वे सो ले आओ हमने चंडी मैया को बलि बोली थी कि भाई वे सही सलामत मिले राण नाए भाई हुए तो एक बकरा की बलि लगाई है होगा तो भाई कुछ दिन पहले बकरी इतनी करी सब बकरा बिछिए सब बकरा बिछिए पूरे मोहल्ला में ढूंढा रो उन्हें बकरा नहीं मिले सुने कि जीजा बकरा तो नहीं जब मेरी बकरिया बंदी जाओ बच्चा देने वाली है तुम जाई को नहीं आ उन्होंने सोची बकरा हो चाहे बकरिया हमें तो हत्या से काम है भैया बीच मोटरसाइकिल के रख ले बीच में रख ली फिर कई पत्नी इसकी बैठिया तुम जाए पकड़े रहो और लेके चल रहे मंदिर पढ़ियो चंडी मैया को मंदिर पढ़ो और सुखा लगे देख तू बकरिया की पाए पकड़िए और गर्दन पकड़िए और हम बलि चढ़ा दे तो बकरिया भैया कितनी भी हल्की हो ऊपर से गाँव में ताकत तो है ही तो जैसे ही गड़सा उठाओ करे माने कर बकरी मैं करके फड़फड़ाई आओ करे 4-5 बार ऐसे हो अच्छा तो पहने अबे तो एकदम मैं आए कुछ बैठी बकरिया मेरे में यही तो और पति बन गई मैं पति में मैं लगे और बकरिया बातें करने लगी